पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बीती रात खिड़की की ग्रिल तोड़कर बैंक के लॉकर रूम से चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की जानकारी सुबह बैंक खुलने के समय बैंक कर्मियों को लगी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। नगर पुलिस अधीक्षक तरुणेंद्र सिंह बघेल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे व बारीकी से छानबीन शुरू कर दी। शुरुआती दौर में मिली जानकारी के अनुसार कुछ लॉकरों से सोने चांदी के आभूषण चोरी हुए हैं। फिलहाल कितने रुपए के आभूषण चोरी हुए हैं आकलन नहीं हो पाया है। लाखों रुपए के आभूषण चोरी होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस मामले पर बैंक अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। भारतीय न्यूज के लिए पीथमपुर से कामिल मेहर की रिपोर्ट। पीथमपुर सेक्टर 1 में कल रात की घटना है, जिसमें कुछ चोर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं जो घुसे हैं सेल लगा के और उन्होंने घटना कारित की है। इसमें पूरे प्रकरण में पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करके हमारी टीम्स वर्क कर रही, जल्दी ही इस मामले का खुलासा। सर तकरीबन कितने की चोरी हुई? देखिए अमूमन अभी जो कुछ कैश और कुछ सोने का उन्होंने बताया है उसका भी एस्टिमेट लगा के उसको अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन में है, वो भी फाइनल। सर कितने चोर दिखे सीसीटीवी में? अभी देखिए उसमें अभी कुछ 3-4 लोग नज़र आ रहे हैं और अभी उसमें सीसीटीवी फुटेज हम लोग खंगाल रहे हैं और उसमें आगे विवेचना में जैसे फैक्ट्स आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.